मेरा परिवार नहीं चाहता मैं बुरी संगत में रहूं। क्या आप चाहते हैं कि मैं उसके साथ पार जाऊं? मैं नहीं चाहता तुम चिंता करो। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? जहां पर हम फ्रेज यूज करते हैं मैं चाहती हूं या फिर मैं नहीं चाहती हूं, क्या मैं चाहती हूं। सो गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा मैं चाहती हूँ, इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। मैं चाहती हूँ इसे हम इंग्लिश में कहते हैं आई वांट। देखिए, यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट में एक एग्जांपल के तौर पे ली है। चलिए इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर आपके सेंटेंस पॉजिटिव में है तब आपको यूज़ कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद वांट या फिर वांट्स, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जैसे कि मी, यू, हिम, हर, देम, इट, अस, ये सब। इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। अगर आपके सेंटेंस नेगेटिव में है तब आपको यूज़ कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद डोंट या फिर डजंट, इसके बाद वांट के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, इसके बाद इन्फिनिटिव फॉर्म यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। और अगर आपके सेंटेंस इंटरोगेटिव में है तब आपको यूज़ कर देनी है पहले डू और डोज, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद वांट के बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में अदर वर्ड्स। अगर आप लिख रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। वो चाहती है कि मैं तुम्हारे साथ मूवी जाऊँ। She wants me to go to the movies with you. She wants me to go to the movies with you. वो नहीं चाहता कि मैं उससे दोस्ती रखूं। He doesn't want me to keep friendship with him. He doesn't want me to keep friendship with him. क्या आप चाहते हैं कि मैं उसके साथ पार्क जाऊं? Do you want me to go to the park with him? Do you want me to go to the park with him? मैं नहीं चाहती तुम चिंता करो। I don't want you to worry. मेरा परिवार नहीं चाहता मैं बुरी संगत में रहूं। My family doesn't want me to stay in bad company.